ये जो है उस एक्टिविटी तो आप लिख लो दमयंती अड़ियल घोड़ा, हम तीनों नाम लिखे थे ना अभी, दमयंती अड़ियल घोड़ा। आप दोनों के पास चॉइस है, आप दोनों में से बताइए कि आप में से कौन सा जो है संबंधों को ऊपर मानता है, रिलेशंस को मैम रत्नश्री रिलेशंस लिख नहीं रहे मैम आप, वो फिर असाइनमेंट करने में आएगा दिक्कत। दिस वन यहाँ लिखिए रत्नश्री रिलेशंस, इस असाइनमेंट पे रत्नश्री रिलेशंस और दमयंती लड़ाई, बच्चों को मजा आएगा ना ऐसे। और अब हमारे पास कौन से मैम रह गए, अब रेहाना के पास तो कोई चॉइस ही नहीं, नो चॉइस। सो रेहाना कह रही मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं गया है, मेरे को तो बस एंड में छोड़ दिया है। ओके, सो असाइनमेंट नंबर 4 मिल गया, की और की लड़ाई, की और की लड़ाई मिल गई। हम पहले वो करते हैं, सो रेहाना को हमने अंत में लिया, इसका कोई चीज ही नहीं मानी हमने, तो जहां पर भी एंड में पूर्ण विराम से पहले की आ रहा है या करी आ रहा है, सेंटेंस नंबर 2 को काट के करी को लिख दो रेहाना, सेंटेंस 3 रिहाना, 3 में भी रिहाना, 4 में भी रिहाना, आर आर लिख दो तो हमें याद रहेगा रिहाना, जल्दी हो जाएगा, जल्दी से एंड में आ जाओ। 6 में रिहाना एंड वाले, एंड आई थिंक 14 ठीक है, 6 आफ्टर 14 या। अब अगर हम सेंटेंस 1 में आ रहे हैं, 10 इज आल्सो 10, राम ने मेरी मदद की, अब हमें प्रॉब्लम आ रही है जो रिहाना है हमने इसको एंड में फिट किया था की जगह, क को बड़ी ई वाले, अब ये भी की है और ये तो लड़ाकी है, इसकी तो बात ही अलग, ये दुनिया से लड़ाई करने वाले लोग अलग। शी बिलीव्स इन फाइटिंग सो शी इज अ डिफरेंट, she believe in relations, इसका कोई choice नहीं था, no choice, okay? They are playing a game, तो हमने इसको मान लिया, ये की है का को बड़ी ई, ये भी की है, but she believes in relations, अब हम कहाँ कहाँ पर लाएंगे इसको, जहां पर भी रुशिल की नानी खुशी की आदत, वहां पे कौन आएगा, रत्नश्री। तो आपने क्या देखा कि की में सर 4th नंबर वाला असाइनमेंट, की और की लड़ाई, खुशी की आदत, रुशिल की नानी, ये सब में रिलेशंस है, रत्नश्री। अब बेचारे लड़ाई वाले सोच रहे हैं, मैंने सबसे पहले हाथ उठाया था कि यस मैं अड़ियल घोड़ा, तो अड़ियल घोड़ा तो जिंदगी में बहुत कम चाहिए होता है। हैव यू सीन दिस, की और की लड़ाई में स्टूडेंट्स जो है परेशान होते हैं कौन सा की आएगा, पर ज्यादातर 90% कौन सा की आता है, दिस इज रिलेशन, राइट हर नेम इज लाइक रिलेशन, संबंध कारक लिखो, एंड शी इज वर्ब, verb वर्ब वाक्य के अंत में आती है। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं 3, 4, 5 के, तो आप यही वाली की का प्रयोग करिए, अभी इसको छोड़ो, आप ऐसे सेंटेंसेस बनाइए जिसमें ये एंड में आ रही है और ये बीच में आ रही है, तो बच्चों को आपने इजीली कहा जो सेंटेंस के बीच में है वो संबंध कारक, ये है रत्नश्री, और जो एंड में है वो उसके लिए आसान हो जाएगा। अब बड़ी क्लास है, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज दे रहे हैं, डिफरेंट आइडियाज हमने इनको भी, लुक एट 11th नंबर सुनीता वाला, विच वन इज दैट, सुनीता बहुत खुश है, दिस इज सेंटेंस नंबर 1, सुनीता बहुत खुश है कि अब कौन आएगा, लड़ाई वाला क्यों आ गया, क्योंकि इन्होंने दो सेंटेंसेस को अलग किया। अब आपने क्या करना, इनका नाम लेना है, आप कहोगे
यस मैं हूं रत्नश्री. ओके लाइक दिस. अब हम सेंटेंस करते हैं फर्स्ट वन. राम ने मेरी मदद की. रेहाना, रेहाना आप आ जाओ. बोलो हाँ मैं रेहाना हूं. अब वापिस ले जाओ. मैं उसकी सदैव मदद करती हूँ. विमला ने कमरे की सफाई की. फिर से रिहाना, बोलो फिर से. मैं रिहाना, वर्ब. थर्ड, मैंने पढ़ाई पूरे मन से की. फिर से रिहाना, की. आप बोलोगे की रिहाना. ओके. फोर्थ वन, भरी सभा ने आपने मेरी मजरा बेइज्जती की. रेहान. अभी तक कौन आ रहा है? खुशी की आदत. अब कौन आएगा? बोलो. मैं संबंध रत्नश्री. संबंध रत्नश्री. खुशी की, खुशी की आदत. तो किस किस के बीच में संबंध है? खुशी की और आदत के बीच में. अगेन कमरे की सफाई किस, कौन है? रत्नश्री. कमरे की सफाई. तो हमारे पास मैंने कमरे की सफाई की, इसमें दो बार की आया है. दोनों में अलग अलग है. एक में रेहाना है, एक में. अब हमने क्या सीखा? रेहाना रत्नश्री, रेहाना रत्नश्री. अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं और ये आकर कहते हैं यस मैं वर्ब, ये कहते हैं मैं संबंध. जब छोटे बच्चे हैं तो केवल इन दोनों का दिखाया, जब थोड़े बड़े हो गए तो हमने तीसरे को भी. अब एक कोई सेंटेंस ढूंढो जहां ये दोनों एक साथ आ रहे हैं. कोई ऐसा सेंटेंस? केरला राज्य की यात्रा मैंने सपने में की. हाँ, जो बीच में केरला राज्य की, तो वहां कौन है? राज्य. संबंध. और की